सब्सक्राइब करें किरण सी यम्मी किचन को और बेल आइकन दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, मैं हूं किरण और आपका स्वागत है किरण सी यम्मी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं मटन कीमा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तेल 80 ml, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 लवंग, 1 दालचीनी, 1 हरी इलायची, 2 से 3 तेज पत्ता, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, 5 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज, अदरक 1/2 इंच, लहसुन 9, हरी मिर्च 1, जीरा 1 टीस्पून, हरी इलायची 3, दालचीनी 2 छोटे टुकड़े, काली मिर्च 4, लवंग 2, इन सबको कूट लेंगे, 500 ग्राम मटन, 3 मीडियम साइज कटा हुआ टमाटर, 2 से 3 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया पत्ता। तो चलिए मटन कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कुकर में तेल डालेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम मीडियम फ्लेम पे ही खड़े मसाले डालेंगे और इन्हें 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इनकी स्मेल तेल में चली जाए। खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें 1 kV पानी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। फ्लेम हाई कर लेंगे और इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हमने जो कूटा हुआ मसाला तैयार किया था वो डालेंगे। मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पे पानी सूखने तक भूनेंगे। 500 ग्राम मटन में से मैंने 350 ग्राम मटन का कीमा बना लिया है और बाकी 150 ग्राम मटन मैं ऐसे ही डालूंगी। पानी सूख गया है, अब हम इसमें मटन डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अगर आप कोई भी रेसिपी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थोड़ा नमक डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। दो कप पानी डालेंगे, अब फ्लेम को हाई ही रहने देंगे। अब इसे ढक्कन लगाकर मीडियम टू हाई फ्लेम पे पानी सूखने तक पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाकर देखते हैं, पानी ऑलमोस्ट सूख गया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। हल्दी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसमें कीमा डालेंगे।
मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पे पानी सूखने तक भूनेंगे। ऐसे 2 बार करेंगे। 2 बार पानी डालकर मैंने मटन को अच्छे से भून लिया है। ये देखिए, ऐसे मटन को थोड़ा नीचे लगाकर भूनेंगे। मटन को जितना भूनेंगे मटन उतना ही टेस्टी बनता है। टमाटर डाल देंगे, अब थोड़ा नमक डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पे टमाटर गलने तक बीच बीच में पानी डालकर भूनेंगे। टमाटर ऑलमोस्ट गल गए हैं। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, साथ ही में सूखा धनिया पाउडर और मीट मसाला पाउडर डालेंगे। थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे मिक्स करके तेल छूटने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे ढक्कन लगा के पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तेल अच्छे से छूट गया है। अब हम इसमें 2 बड़े ग्लास पानी डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक्कन लगाकर उबाल आने देंगे। ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से उबल गया है। तो अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसे हाई फ्लेम पे 7 सीटियां लगाएंगे। 7 सीटियां लग गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और कुकर को 10 से 15 मिनट बाद खोलेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम कुकर का ढक्कन खोल देंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। धनिया पत्ता डालेंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ा ड्राई भी कर सकते हैं, पर मुझे ग्रेवी पसंद है तो मैं ज्यादा ड्राई नहीं करूंगी। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे आराम से। अब हम इसे ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा लेंगे। ये देखिए, हमारा मटन कीमा बन गया है। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। हमारा मटन कीमा रेडी है। आप चाहें तो इसे पाव के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर इसे रोटी या नान के साथ भी एंजॉय किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।